बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। अपना टॉपिक जो रनिंग था वो था टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ लीव्स में जो लीव्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, सिंपल लीव्स एंड सेकंड कंपाउंड लीव्स। ओके बेटा, तो जो सिंपल लीव्स है वो मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि एक बड़ी जो लीफ लेमिना है वो सिंपल लीफ है, उसमें आपको जो लीफ के मार्जिन हैं उनमें बाहर से आपको इंसिजन्स नजर आते हैं लेकिन वो थोड़ी डिस्टेंस तक ही होते हैं, मिड रिप तक नहीं होते हैं। तो एक कंप्लीट लीफ होती है उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं कंपाउंड लीव्स। बच्चों जो कंपाउंड लीव्स है ना उसमें क्या होता है कि जो इंसिजन्स हैं मार्जिन से वो मिड रिप तक चले जाते हैं और छोटी छोटी लीफलेट्स जो है बन जाती है, कई सारी लीव्स बन जाती हैं। और जो मेन एक्सिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। ओके बेटा, अब जो कंपाउंड लीव्स हैं इन्हें हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कंपाउंड लीव्स भी दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट है पिनेटली कंपाउंड लीव्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, फर्स्ट है पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड सेकेंड है पामेटली कंपाउंड लीव्स। ओके बच्चों, ये दो टाइप की होती है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ये क्या होती हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक रैकिस होता है और रैकिस के लेटरल पार्ट में ब्रांचेस डेवलप होती हैं और उनके ऊपर क्या होता है, एक्सिस डेवलप होती है, उनके ऊपर नई लीव्स जो है डेवलप हो जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, है ना। तो अब इसमें इसके कई सारे टाइप है ना, तो मैं पहले स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरीके से दोनों तरफ एक एक लीव डेवलप होती है ना, दोनों लेटरल साइड में एक एक लीव डेवलप होती है। ठीक है बच्चों, तो जब दोनों लेटरल पार्ट में एक एक लीव ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, यूनिपिन्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिपिन्नेट। क्या कहते हैं? यूनिपिन्नेट। ओके बेटा, तो जब एक इधर दो दो लीव हो गई, अगर मान लो ये इवन नंबर में, ये क्या है, इवन नंबर में, जैसे कि जो ये स्केच मैंने ड्रॉ किया है ये इवन नंबर में है, तो इसे कहते हैं पेरीपिन्नेट। क्या कहते हैं? पेरीपिन्नेट। ओके बेटा,
यूनिपिनेट है लेकिन ये यूनिपिनेट का टाइप है पेरिपिनेट। अगर मान लो अगर जो लीव्स हैं वो ऑड नंबर में है, जो टोटल लीव्स हैं उनका जो नंबर आ रहा है वो यदि ऑड आ रहा है, ठीक है बेटा, तो ये यदि इस तरीके से आ रहा है, एक लीव और आ गई, एक लीफ और आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरिपिनेट। क्या कहते हैं, इम्पेरिपिनेट। ओके बेटा, तो यूनिपिनेट में रैकिस के दोनों और एक एक लीव जो होती है वो ग्रो होती रहती है। ओके अगर ये इवन नंबर में है तो दिस इज द पेरिपिनेट, और यदि ये ओड नंबर में है तो दिस इज कॉल्ड इम्पेरिपिनेट। ओके बेटा, अब लेते हैं यूनिपिनेट हो गया, अब लेते हैं बाईपिनेट। बाईपिनेट में क्या होता है बच्चों, जो लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती है उन पर दो दो लीव्स, कितनी लीव्स, उन पर दो दो लीव्स ग्रो हो जाती हैं, जिन्हें हम पिन्यूल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिन्यूल्स, इस तरीके से। इस तरीके से ठीक है बेटा, ये देखिए बच्चों, अगर इस तरीके से आपको पैटर्न दिखता है तो ये क्या है, बाईपिनेट, दिस इज कॉल्ड बाईपिनेट। बेटा ये टॉपिक्स आपको डायग्रामेटिकली मेरे हिसाब से आपको जल्दी समझ में आ रहे होंगे, तो ये इजी पैटर्न है इनको लर्निंग करने का, है ना। तो दो दो लीव्स यहां ग्रो हो रही हैं, तो ये क्या है, बाईपिनेट। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं इसी का, पिनेटली कंपाउंड लीव्स का। थर्ड लेते हैं ट्राईपिनेट। ट्राईपिनेट नाम से ही पता चल गया होगा आपको, जैसे कि ये लेटरल ब्रांच है या लेटरल एक्सिस है, तो इनके ऊपर क्या होता है बच्चों, थ्री थ्री, है ना, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये देखिए,
ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से। तो 3-3 जो पिन्यूल्स हैं, मतलब यहां लीव्स थोड़ी और छोटी हो जाती हैं, फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, पिन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्यूल्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई पिन्नेट। क्या कहते हैं बेटा हम? ट्राई पिन्नेट, ओके। चलिए अब एक और इसका टाइप है, वो है डी कंपाउंड। डी कंपाउंड में क्या है कि जब किसी प्लांट के अंदर लीव्स 3 से भी ज्यादा होने लग जाए, किसी एक्सिस के ऊपर, रैकिस के ऊपर, अगर 3 से भी ज्यादा अमाउंट में हो अगर, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डी कंपाउंड कहते हैं ना। इस तरीके से खूब सारी जो लीव्स हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन को आप तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर 3 से भी ज्यादा अगर लीफलेट्स या पिन्यूल्स डेवलप हो रहे हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, डी कंपाउंड पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ऐसे कई सारी मल्टीपल लीव्स डेवलप होती हैं। चलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड लीव्स के बारे में। इसका फर्स्ट जो टाइप है वो कंप्लीट होता है, the next is palmately compound leaves, palmately का मतलब क्या है, palm की तरह। इनमें क्या होता है बच्चों के जो लीव्स एमर्ज होती हैं वो डिजिटेट होती हैं, जैसे अपनी हथेली होती है ना, पाम होती है वैसे ही, तो ऐसे इस तरीके से। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी कई टाइप हैं बच्चों, जैसे कि मान लो एक ही लीफ है ना, ओके बेटा, ये देखिए ऐसे सिंगल लीफ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफोलिएट। क्या कहते हैं? यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट, ओके। सेकंड टाइप लेते हैं इसका, लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं, फैली भी रहती हैं, इस तरीके से।
तो ये दो लीव्स आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाई फॉलिएट, बाई फॉलिएट, बाई फॉलिएट है ना बेटा। अगर मान लो देखिए बच्चों, यहाँ थ्री लीव्स जो है वो डेवलप हो गई हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्राई फॉलिएट। ओके, चलिए इतना समझ में आया आपके, नेक्स्ट लेते हैं इसी में ही। बच्चों इसे हम कहते हैं टेट्रा फॉलिएट। क्या कहते हैं? टेट्रा फॉलिएट और क्वाड्री। क्वाड्री फॉलिएट बच्चों, इन टॉपिक्स को हमें इसी तरीके से तैयार करना है। टाइप, टाइप का जो भी नेम है वो, और उसके अलावा उसका जो स्केच है, तो इससे क्या है, लर्निंग जो होती है ना वो काफी इजी हो जाती है, इमेजिनरी लर्निंग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये है टेट्रा फोलिएट या क्वाड्री फोलिएट, जिनमें चार ऐसी पाम की तरह लीव्स फैली रहती हैं। ओके बेटा, और एक लास्ट और ले लेते हैं।
आप भी मेरे साथ में एक रफ कॉपी रखा करो, आप भी साथ साथ में ड्रॉ किया करो, जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल भी बोरियत ना हो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती है इससे। ये चैप्टर अपन डायग्रामेटिकली करेंगे और काफी इजी हो जाएगा अपने लिए ये। ये काफी मतलब मल्टीपल हो गया, ये 4 से भी ज्यादा, तो इसे हम पेंटाफोलिएट भी कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे पेंटाफोलिएट, और मल्टीफोलिएट। ओके बच्चों, तो ये है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड लीव्स के बारे में। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज द पिनेटली कंपाउंड लीव्स and second one is the palmately compound leaves. Pinnately compound leaves are of 4 types: unipinnate, bipinnate, tripinnate and decompound. And the palmately compound leaves are of 5 types: unifoliate, bifoliate, trifoliate, tetrafoliate and pentafoliate or multifoliate. तो बच्चों ये लीव्स का जो टाइप्स है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं लीफ मॉडिफिकेशंस। लीव्स में मॉडिफिकेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने हो जाएंगे ठीक है बेटा। इसमें फर्स्ट लेते हैं फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए फूड या म्यूकस या वाटर के स्टोरेज के लिए। सेकंड हम लेते हैं लीफ लीफ टेंड्रिल्स,
सपोर्ट के लिए। अब इसमें लीफ टेंड्रिल्स भी जो हैं वो भी कई टाइप के हैं, जैसे कि एपिकल टिप टेंड्रिल्स, एपिकल टिप टेंड्रिल्स। ओके बेटा, बी बी हम लेते हैं एक्सिलरी एक्सिलरी बड टेंड्रिल। ओके, सी हम लेते हैं पेटियोल टेंड्रिल। डी हम लेते हैं रैकिस टेंड्रिल। ई हम लेते हैं स्टिप्यूल स्टिप्यूल टेंड्रिल्स। है ना बेटा। और एक और है जो मेरे को पहले बताना चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं है। होल होल लीफ टेंड्रिल, होल लीफ टेंड्रिल, ठीक है ना। इतने सारे मॉडिफिकेशंस हैं ये लीफ टेंड्रिल्स के अंदर। ओके बेटा, ठीक है ना। थर्ड लेते हैं हम, फर्स्ट हो गया फॉर द स्टोरेज, फूड वाटर या म्यूकस के स्टोरेज के लिए। सेकंड हम लेते हैं लीफ टेंड्रिल्स, उसमें एपिकल टिप का टेंड्रिल में कन्वर्ट होना, या एक्सिलरी बर्ड्स का, या पेटियोल्स का, या रैकिस का, या स्टिप्यूल का टेंड्रिल में कन्वर्ट होना, या हॉल लीफ का टेंड्रिल में कन्वर्ट होना। थर्ड लेते हैं हम स्पाइंस, के कई प्लांट्स के अंदर जो स्पेशली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के लॉस को कम करने के लिए, है ना बेटा। तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। फोर्थ हम लेते हैं हुक्स, हुक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, हुक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। फिफ्थ हम लेते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि नेपेंथीस है, तो नेपेंथीस के अंदर जो लीव होती है ना वो क्या हो जाती है, पिक्चर की तरह होती है, एक घड़े की तरह हो जाती है, ठीक है ना। पिक्चर प्लांट कहते हैं उसे, नेपेंथीस को, और उसके ऊपर एक लिड सी बन जाती है लीव सही, और उनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, तो कोई भी इंसेक्ट यदि उनमें गिर जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अपन यूट्रिकुलेरिया की बात करें तो यूट्रिकुलेरिया में जो प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं वो एक सेक की तरह हो जाती हैं, और उनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे क्या है कि इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा एक दो प्लांट ऐसे भी होते हैं जो लीव्स होती है उनमें स्पून लाइक हो जाती है, तो स्पून लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, उन पर टेंटेकल्स निकले रहते हैं, हेयर्स निकले रहते हैं, तो उनके अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट गिरता है तो टेंटेकल्स उसको कवर कर लेते हैं, फिर कुछ केमिकल्स भी वो रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि लीव्स के मॉडिफिकेशन के द्वारा या तो पिक्चर बना लेते हैं, या वो सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या स्पून लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसमें जो इंसेक्ट गिरते हैं उनको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, और वहां से फिर वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों इतने सारे मॉडिफिकेशंस हैं, और भी हैं कोई, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के टॉपिक को मैं यहीं रोक रहा हूं। ओके बेटा, जो भी आपके डाउट है जल्दी से हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं आप।